धन्यवाद संजय मयूर जी, आप सबकी अनुमति से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आरंभ करते हैं। चंद मिनटों पहले कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सब देख रहे थे। सही मायने में पूछा जाए तो विश्वास भी नहीं हो रहा है कि हमारे देश का कोई नेता इस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के समर्थन में कर सकता है। एक एक शब्द को हमने बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से सुना, समझा और उसके पश्चात पूरे जिम्मेदारी के साथ आज आपके सामने हम मुखातिब हो रहे हैं। सिद्धू जी ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस यह कहते हुए आरंभ किया कि वो बतौर पॉलिटिशियन पाकिस्तान नहीं गए थे, एक राजनेता के रूप में पाकिस्तान नहीं गए थे, वो बतौर क्रिकेटर पाकिस्तान गए थे। बट एस्टॉनिशिंगली द ग्लव्स दैट ही वॉज वेयरिंग, द किट दैट ही वॉज यूजिंग टूडे वेन ही वॉज कंडक्टिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस वॉज नॉट ऑफ अ क्रिकेटर बट ऑफ अ पॉलिटिशियन। आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो एक राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, कोई क्रिकेट के विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था। और दुख का विषय यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस ने बजाय देश को यह समझाने की कि आखिर ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी कांग्रेस पार्टी को कि पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के आर्मी के चीफ जनरल बाजवा से गले लगा जाए और पाकिस्तान में जाके पीओके के तथा कथित राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मसूद खान के बगल में बैठा जाए, ये सब समझाने के वो समझाए नहीं उन्होंने, जो कि ये समझाना चाहिए था। इसके बदले उन्होंने एक लंबी चौड़ी लेक्चर दी कि आखिरकार किस प्रकार का डिप्लोमेसी होना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच। और मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि बार बार नवजोत सिंह सिद्धू ने कहीं ना कहीं इंडिया को इम्प्लीकेट करने की कोशिश की कि ये जो कुछ भी हो रहा है आज इंडिया पाकिस्तान के बीच में उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो भारतवर्ष है। पीस और प्रॉस्पेरिटी चाहिए, कौन मना करता है? पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए सदियों से हिंदुस्तान खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। और अगर पीस और प्रॉस्पेरिटी के पीठ पे छुरा भोंकने का काम कोई देश कर रहा है तो वो पाकिस्तान कर रहा है। मगर इस बात को कांग्रेस समझ नहीं पा रही। इस बात को जिस प्रकार से नवजोत सिंह सिद्धू ने समझाने का प्रयास किया है, कहीं ना कहीं उन्होंने भारतवर्ष को यह कहकर कि भारतवर्ष का दिल छोटा है, हम पीस और प्रॉस्पेरिटी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, हिंदुस्तान को बार बार कटघरे में खड़ा करने का जो प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया है हम इसकी निंदा करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं। और मैं बहुत फर्मली कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब सिद्धू जी से नहीं, राहुल गांधी जी से चाहती है। हमने कल देखा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया और कहा कि सिद्धू को जाकर गले नहीं मिलना चाहिए था पाकिस्तान में आर्मी चीफ के साथ। उसके बाद सिद्धू उसे जस्टिफाई करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किसके कहने पर करते हैं, जिसके कैबिनेट में है। जब उस मुख्यमंत्री ने इस विषय को स्पष्ट कर दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये हिंदुस्तान के खिलाफ है, इट इज अगेंस्ट द इथोस ऑफ इंडिया, मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू स्टिल होल्ड्स अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। आवर क्वेश्चन इज एट हूज बिहेस्ट? ऑफ कोर्स एट द बिहेस्ट ऑफ मिस्टर राहुल गांधी। अगर अपने चीफ मिनिस्टर के कहने के बावजूद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने विषय को सही ठहराते हैं तो ये राहुल गांधी जी के कहने पे ही हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक पत्ता भी राहुल जी के कहे बगैर हिल नहीं सकता है। इसलिए उत्तर राहुल जी से चाहिए। राहुल जी, एंड दिस इज अ वेरी सीरियस इश्यू, राहुल जी, यू कैन नॉट रन अ पैरेलल गवर्नमेंट इन दिस कंट्री। डिप्लोमेसी इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। डिप्लोमेसी, किस देश के साथ किस प्रकार के सामरिक संबंध हो, किस प्रकार से राजनयिक संबंध आगे बढ़े, ये केंद्र सरकार के परिधि में आती है, ये राज्य सरकारों के परिधि में नहीं आती है। इसमें अगर कोई निर्णय लेना होगा तो देश के हित में, देश के हित को कैसे आगे रखना है, इसको चिंतन करते हुए ये निर्णय केंद्र सरकार लेती है, राज्य सरकार और खास करके राज्य सरकार के कोई एक मंत्री इंडिविजुअली इसका निर्णय नहीं लेते। तो राहुल जी, बिफोर यू गिविंग परमिशन
टू वन ऑफ योर ऑनवॉयज मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू यू शुड हैव केप्ट दिस इन माइंड. आपको यह अपने चिंतन में रखना चाहिए था कि डिप्लोमेसी कभी किसी को प्रॉक्सी में नहीं दी जाती है या आउटसोर्स नहीं किया जाता है. देयर वाज अ सेंस ऑफ इक्विवेलेंस दैट मिस्टर सिद्धू ट्राइड टू ड्रॉ बिटवीन हिमसेल्फ एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री. द सेंस ऑफ इक्विवेलेंस दैट मिस्टर सिद्धू ट्राइड टू ड्रॉ बिटवीन हिम एंड मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी हु इज नो मोर विद अस. सिद्धू जी ने जिस प्रकार से अपने बात को वाजपेयी जी की बातों से और वाजपेयी जी की डॉक्ट्रिन से जोड़कर सही सिद्ध करने की कोशिश की और अपने बात को सही सिद्ध करने के लिए जिस प्रकार लोकप्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने इस वक्तव्य में लेके आए, बड़ा आश्चर्य का विषय है. आप प्रधानमंत्री नहीं है सिद्धू जी, आप देश के एक सम्मानित राज्य के एक मंत्री. आपका यह व्यवहार अनुचित है कि आप अपने आप को प्रधानमंत्री के बराबर सोचे या एक पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बराबर समझकर अपने आप को उस कदम में दिखाएं, उस लीग में दिखाएं, यह अनुचित है. आप सबको याद होगा कि जब डोकलाम चल रहा था, जब चीन के साथ हिंदुस्तान की सरकार अपने लेवल में इस विषय पर बातचीत कर रही थी कि किस प्रकार शांतिप्रिय तरीके से डोकलाम का पूरा विषय हम समझ सके और उस पर हम एक्ट कर सके, उस समय राहुल गांधी जी चोरी चोरी चुपके चुपके रात के अंधेरे में जाकर चाइनीज ऑनवॉय के साथ गुपचुप मीटिंग कर रहे थे, गुपचुप बैठक कर रहे थे. और केवल राहुल गांधी ही नहीं, उनके परिवार के बहुत सारे लोग मौजूद थे. दुखद विषय यह है कि जब हम लोगों ने मीडिया की जो सच्चाई थी, मीडिया ने फोटो दिखाया और जब हम लोगों ने यह सवाल पूछा तो राहुल गांधी जी ने इनिशियली कहा कि यह झूठ है, यह सच्चाई नहीं. बाद में जब सारा तथ्य सामने आ गया, पब्लिक में आ गया, उसके पश्चात राहुल गांधी जी ने यह एक्सेप्ट किया कि हां मैं चाइनीज ऑनवॉय से मिला था. मिस्टर राहुल गांधी, व्हाट इज हैपनिंग इन योर पार्टी? You are out of power and you have to learn this graciously. You cannot run a parallel government. Aap raat ke andhere mein jaake Chinese envoy se milte hain. Aur wahan Sidhu, Manishankar Iyer, Gulam Nabi Azad, Shashi Tharoor, Salman Khurshid, Saifuddin Soj. Koi kehta hai ki army 20 civilian maar deti hai ek. आतंकवादी को खोजने के चक्कर में कोई कहता है कि कश्मीर को हम इंडिपेंडेंस दे देंगे जैसे परवेज मुशर्रफ चाहता है, कोई कहता है कि हिंदू तालिबान बन जाएगा, हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा, कोई कहता है कि मोदी की सरकार गिराना होगा पाकिस्तान में जाके. नहीं, ये क्या आपने इंडिया में कांग्रेस के अंदर एक पाकिस्तान एजेंसी खोल रखी है? हैव यू ओपन्ड अ पाकिस्तान डेस्क इन इंडिया कि आप यहां भारत में बैठ के पाकिस्तान की हक की बातें करेंगे, लगातार पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम करेंगे? आपके बड़े नेता, आपके दिग्गज नेता राहुल जी यहां बयान करेंगे और एलईटी का समर्थन वहां से आएगा कि हां वी स्टैंड विद द ओपिनियन ऑफ मिस्टर गुलाम नबी आजाद. व्हाट इज हैपनिंग मिस्टर राहुल गांधी? नॉट एज अ बीजेपी स्पोक्स पर्सन बट एज अ नॉर्मल इंडियन हु इज अनॉयड टूडे by the appalling behavior of your party men like Mr. Navjot Singh Sidhu, who tried to run a parallel government and who tried to preach 125 crore Indian as to how India has a chota dil because India is not vying for peace and prosperity with Pakistan. और ऊपर से आपका समर्थन सिद्धू को रहता है, आप लगातार सिद्धू की बैकिंग में खड़े हैं, ये क्या हो रहा है? ये सवाल हम राहुल जी आपसे पूछना चाहते हैं और आप बाहर निकलकर जवाब दीजिए. राहुल जी, ये छुपना छोड़ दीजिए. राहुल जी, हम सब आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके स्मृति पटल पर, आपके मेमोरी में, सिद्धू जी के मेमोरी में जब वो जाके गले लग रहे थे बाजवा के साथ और आपके कहने पर ही होगा, तो एक बार आपके चेहरे के सामने, आपके आंखों के सामने वो पत्नी याद नहीं आई मेजर कौस्तुभ राणे जी की? आपके जाने से एक दिन पहले जिस प्रकार से वो बहन हमारी बिलख बिलख कर रो रही थी, अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिए और एक हाथ में तिरंगा को अपने छाती से चिपकाए, आपको 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के आंसू नजर नहीं आए?
आप जाके जनरल बाजवा पे विश्वास करते हैं? और अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धू कह रहे थे कि जनरल बाजवा ने पीस और प्रॉस्पेरिटी की बात की। क्या पीस और प्रॉस्पेरिटी की बात की? जो गला काटता है वो कभी पीस और प्रॉस्पेरिटी की बात करता है? और ये हम गुस्से में कह रहे हैं, वी आर अनॉयड दैट देयर आर पीपल विद इन द कांग्रेस पार्टी हु आर ट्राइंग टू प्ले द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान इन इंडिया, जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में। You are glorifying General Bajwa by saying that here is a man who wants peace and prosperity. Sorry, Mr. Rahul Gandhi. Sorry, Mr. Sidhu. He is a general who is responsible for butchering of number of Indians. Mr. Rahul Gandhi, आप चुप थे तब जब आपके एक पूर्व सांसद यहां कहते थे कि इंडिया के आर्मी के चीफ सड़क के गुंडे हैं, क्योंकि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो वो सड़क के गुंडे हैं। हमारे आर्मी के चीफ सड़क के गुंडे और पाकिस्तान के आर्मी के चीफ सोने दे मुंडे, और आप आके पीसी करते हैं यहां पर। मैंने लिख रखा है क्या क्या कहा है। आप आके यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि दो दिनों में पाकिस्तान ने मुझे वो दे दिया जो मुझे पूरी उम्र नहीं मिला हिंदुस्तान में। मिस्टर राहुल गांधी, ऐसा क्या मिल जाता है आपके नेताओं को पाकिस्तान में? ऐसा क्या मिल जाता है कांग्रेसियों को पाकिस्तान में जाके जो आपको हिंदुस्तान पूरी उम्र नहीं दे पाता है? ऐसा सलमान खुर्शीद को क्या मिल गया था 2015 में, जब वो नवंबर के महीने में जाके वहां कह रहे थे कि मोदी जी शांति नहीं चाहते, पाकिस्तान तो शांति चाहता है। क्या मिल गया था मणिशंकर अय्यर को, जो वो कह रहे थे कि जब तक मोदी रहेंगे तब तक, मैं तो रहेंगे कह रहा हूं, मेरे मुंह से वो निकल नहीं पा रहा है जो मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं, जब तक मोदी रहेंगे तब तक शांति नहीं हो सकती है, मोदी को हटाना होगा तब शांति आएगी। ये क्या मिलता है आपके नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को राहुल जी, जो वो पाकिस्तान में जाके इतना अद्भुत महसूस करते हैं, सारा प्यार उनको मिल जाता है। और सिद्धू जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में परसों कह रहे थे कि पूरी कायनात मुझे पाकिस्तान ने दे दी, कायनात मीनिंग यूनिवर्स, इनको पूरी यूनिवर्स दे दी। अरे खाते यहां का है, हवा यहां की है, ये खूबसूरत देश हमारा, ये आपको उम्र भर कुछ नहीं दे पाया। आपको एमपी बनाया, आपको एमएलए बनाया, आपको मंत्री बनाया इस देश में, आपको आशियाना दी, आपको खाने को दिया, पीने को दिया, प्यार दिया, क्रिकेट दी, क्या नहीं दिया इस देश ने। और आपने कहा पाकिस्तान ने मुझे कायनात दे दिया जो पूरे उम्र मुझे इंडिया में नहीं मिला। यह आप बताइए, दुख इस बात का है मित्रों। आपको याद होगा, आप सबने रिपोर्ट किया पिछले हफ्ते लंदन के अंदर किस प्रकार से खालिस्तान मूवमेंट को पाकिस्तान के मदद से पुनः जीवित करने की कोशिश की गई, जिस प्रकार इस षड्यंत्र में पाकिस्तान एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। द पाइवटल रोल द पाकिस्तान इज प्लेइंग इन सच काइंड ऑफ कॉन्स्पिरसीज, द कांग्रेस पार्टी बाय दिस बिहेवियर इज ओनली एडिंग घी टू दिस काइंड ऑफ कॉन्स्पिरसी, इज ओनली एडिंग fuel to the fire of these conspiracies. इस प्रकार के पाकिस्तान के षड्यंत्र में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी की बाद में है, ये तमाम हिंदुस्तानियों की पहले है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा राहुल गांधी आपसे जानना चाहता है, ऐसा पाकिस्तान आपके नेताओं को क्या दे देता है जो आप लोग, आपके नेता ने कहा ना कि रोम रोम से भी मैं अगर धन्यवाद दूं तो मैं पाकिस्तान को धन्यवाद नहीं दे पाऊंगा। क्यों? ये हमारे जवान मारे जा रहे हैं, इसका धन्यवाद आप पाकिस्तान को दोगे? ये हमारी बहनें बेवा हो जा रही हैं, इसका धन्यवाद आप पाकिस्तान को देना चाहते हैं? धिक्कार है इस प्रकार के सोच के लिए। और ये बहुत स्ट्रांग वर्ड्स है, एंड ऑफकोर्स एवरी इंडियन टूडे इज यूजिंग द स्ट्रांगेस्ट वर्ड पॉसिबल against the Congress party for having taken a pro-Pakistan stand, and we want an answer from none other than the Congress president, Mr. Rahul Gandhi. Why did he authorize Mr. Navjot Singh Sidhu for the kind of thing that he has done, and he has justified also? Thank you. Any question from this? India is a sovereign country. इंडिया इज अ टॉलरेंट कंट्री। इस देश में एक पद्धति होती है वीजा अप्लाई करने के लिए, पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। इस देश में आप भी जाना चाहेंगे, मैं भी कहीं जाना चाहूंगा, तो ऑफकोर्स इफ यू आर एलिजिबल आपको वीजा ग्रांट किया जाएगा।
इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उस देश में जाके उन लोगों के बीच में बैठे, उन लोगों के साथ षड्यंत्र करें, उन लोगों को गले लगाए जो हमारे देश में आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, जहां तक यूके यूएस में जो हुआ है आपने भी बताया है, हमें भी मालूम पड़ा है, हम इसकी पूरी तह तक जाएंगे और इस पे अवश्य रिएक्ट करेंगे। और जहां तक लोकपाल का विषय, देखिए ये पहली बार नहीं है जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने मना किया है। यह जो पोस्चरिंग है कांग्रेस पार्टी का कि वो सच्चाई के लड़ना चाहते हैं, वो पर्दे के आगे का रूप कुछ होता है और पर्दे के पीछे का रूप कुछ और होता है। वो अभी भी जानते हैं कि अभी भी करप्शन का अर्थ और पर्यायवाची शब्द कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। सी फॉर करप्शन एंड सी फॉर कांग्रेस, एंड दैट्स द रीजन एज टू व्हाई दे डोंट वांट टू सपोर्ट एनी मींस एंड एनी मेजर्स व्हिच वुड ओनली ब्रिंग अबाउट व्हाट द रियलिटी ऑफ द यूपीए डिस्पेंसेशन एंड द कांग्रेस पार्टी वाज फॉर ऑल दीज इयर्स। सर देखिए, जहां तक शक्ति सिंह गोहिल जी का ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर निशाना है, मुझे लगता है इस प्रकार की भाषा का प्रयोग एक दिवंगत और महान आत्मा के लिए कदाचित नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं इस पे तीखी टिप्पणी नहीं दूंगा, क्योंकि अटल जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है और इतना महान है कि इस प्रकार की टिप्पणियों से, जिस प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस के बड़े नेता कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। देश की जनता उन्हें बहुत प्यार करती है और जो लोग उनके खिलाफ इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं, देश की जनता उनको क्षमा नहीं करेगी। जहां तक बिहार का विषय है, मैं पूरी जानकारी इस विषय का अवश्य लूंगा, मैंने इसकी पूरी जानकारी ली नहीं है, और ये अन्यथा होगा कि मैं बिहार की सरकार के जो लोग हैं जो इसकी जानकारी दे सकते हैं, बिना जानकारी लिए कुछ भी जानता हूं, मैं अवश्य आपसे बात करूंगा जानकारी लेने के पश्चात। धन्यवाद। यस मैडम, लीगल डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इज ऑलरेडी लुकिंग इन टू दैट इश्यू। आई फर्मली बिलीव दे विल गिव एन आंसर। थैंक यू।